किस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज किस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड को दोबारा कैसे मंगवाया जाता है, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तभी हम आधार कार्ड को मंगवा सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं भी है तब पर भी आप अपने घर पर आधार कार्ड को मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलते हैं, वहीं पे सारा कुछ हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आधार कार्ड को दोबारा मंगवाने के लिए आप अपने लैपटॉप या फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे uidai.gov.in। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप इसे सर्च कर देंगे। तो सर्च करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो यहीं पे आधार कार्ड से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे गेट आधार का जो एक ऑप्शन आपको मिलेगा उसके नीचे में जो लिखा हुआ है ऑर्डर आधार रीप्रिंट, तो चलिए हम आपको जूम करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आधार रीप्रिंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे जो भी आप आधार कार्ड मंगाना चाहते हैं तो उस आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो वर्चुअल आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ई आईडी यानी कि इनरोलमेंट आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आधार नंबर से कि कैसे मंगाया जाता है आधार कार्ड को बाय पोस्ट के द्वारा। तो चलिए मेरे पास जो है आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद इंटर सिक्योरिटी कोड, ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं तो यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद जो आपके पास मोबाइल नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप सेंड OTP पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक OTP आएगा, जो भी आप मोबाइल नंबर दिए थे वो OTP को यहाँ पे आपको जो है इंटर कर देना है। इस जगह पे इंटर करने के बाद आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो है इसको टिक लगा देना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड मंगवाने के लिए आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आधार कार्ड जो आप मंगा रहे हैं वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नेट बैंकिंग, UPI कार्ड। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन से आप जो है पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ATM या डेबिट कार्ड से पे कर देंगे। तो यहाँ पे ATM या डेबिट कार्ड से आप पे करना चाहते हैं तो कार्ड नंबर जो है यहाँ पे ATM का वो यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट, उसके बाद CV नंबर, उसके बाद नेम ऑफ कार्ड, जो आपके कार्ड पर नाम है वही आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल होते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं 50 रुपये का हम ट्रांजैक्शन पेमेंट कर चुके हैं। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जो कि यहां पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। होने के बाद आपके सामने देखिए कुछ फिर से इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर डाउनलोड का जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है जो पेमेंट किए हैं, जो आपका रसीद होगा, तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो इस रसीद को अपने पास रखना है। तो यहाँ पे आपका जो है बाय पोस्ट के द्वारा आपका जो है आधार कार्ड आ जाएगा, यानी कि आपके घर तक या आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसी तरीके से आधार कार्ड को घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और भी कोई टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।